तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आपका स्वागत है कैलिफोर्निया 30 में। दोस्तों आज हम बात करेंगे दुनिया के अमीर तरीन इंसान वॉरेन बफेट सर के प्रिंसिपलों के बारे में, जिन्होंने अपने करियर में, अपने बिजनेस में, अपने इन्वेस्टमेंट करियर में इन प्रिंसिपलों का उपयोग कर किया है, उनके बारे में हम बात करेंगे। रेपुटेशन बनाने में 20 साल लगते हैं और गवाने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। अगर आप अपना समय अपने से बेहतर लोगों के साथ नहीं बिता रहे हैं तो आप अपना समय बेकार कर रहे हैं। अपने से बेहतर लोगों के साथ समय बिताने का फायदा यह होता है कि धीरे धीरे हम भी उनके जैसे होते चले जाते हैं। अपने रोल मॉडल्स बहुत ध्यान से चुनिए। रोल मॉडल्स चुनने के सबसे बड़े फायदे ये होते हैं कि आपको ये चीज एग्जैक्टली मालूम होती है कि क्या करना है और कैसे करना है। और ये अगर आपको ये दो चीजें मालूम है तो आप बहुत लंबी पारी खेल सकते हैं। आप अपनी जिंदगी में चाहे कितना भी पैसा कमाओ पर कोई भी आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता तो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, समझो। ये चीज वॉरेन बफेट सर ने इसलिए बोली है ताकि जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो चैरिटी कर सके। फिर भी मैं एक बात यह कहना चाहूंगा, अगर आपका इनकम कम है फिर भी आप चैरिटी में थोड़ा बहुत पैसा खर्च कर लीजिएगा। किसी भी काम को हाथ में लेने से पहले उसकी हिस्ट्री जरूर जरूर और जरूर देखनी चाहिए। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, नॉलेज सब कुछ होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप सबसे ज्यादा पैसे कमाएं तो आपकी नॉलेज भी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। सीखने का सबसे सही तरीका खुद गलती करके सीखना नहीं होता, सीखने का सबसे सही तरीका दूसरों के गलतियों से सीखना होता है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपका चाहे कितना भी मन हो रहा हो, चाहे कितना भी मन हो रहा हो, आप उस चीज को मत खरीदिए। इस चीज को समझ लीजिए और बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ज्यादातर लोग इसलिए गरीब रहते हैं क्योंकि पैसे वो खर्च करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते। और जहां तक महंगी चीजें खरीदने का सवाल है, वॉरेन बफेट सर यह कहते हैं कि महंगी चीजें हमें उन्हीं दिनों में खरीदनी चाहिए जिनमें वाई नहीं लगता हो। पैसे कमाने के बारे में वॉरेन बफेट सर यह कहते हैं कि हमेशा वो वाला काम पकड़ना चाहिए जिसे आप तब भी कर सकते हैं जब पैसा कमाने के लिए आपको कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ ही साथ आपको ऐसा काम शुरू कर देना चाहिए जिस काम में आपके फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं पड़ती हो। इसका सबसे अच्छा तरीका होता है अपने पैसों को इन्वेस्ट कर देना। इस चीज को भी समझ लीजिए कि आप चाहे कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो और आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, हर चीज पूरा होने के लिए अपना समय लेती है। अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो आप अपना फोकस हमेशा कस्टमर पर रखिए और इनको जितना ज्यादा फायदा पहुंचाना चाहते हैं उतना ज्यादा फायदा पहुंचाइए। सामने वाला आपको चाहे कितना भी फायदा क्यों ना पहुंचा सकता हो, अगर आप उसको पसंद नहीं करते तो उसके साथ मत जुड़िए। ये थी सब बातें। तो दोस्तों इस तरह की और बातें
और प्रिंसिपल और बिजनेस आइडियाज और मोटिवेशनल स्टोरी स्मॉल बिजनेस आइडियाज के लिए हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।